ह्यूमन बींग्स या इंसानों के अंदर हम रेस्पिरेशन या सांस लेने के अमल को पढ़ रहे थे. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को. ब्रीदिंग की बात हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी की थी और हम जानते हैं कि ब्रीदिंग जो है बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर होता यह है कि फ्रेश एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है और वो एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है, वो हमारे लंग से बाहर जाती है. इसको अगर हम लिख दें, हमने कहा कि फ्रेश एयर जो है वो लंग्स के अंदर जा रही है और वो एयर, या हम कह देंगे एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लंग से बाहर जा रही है. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये ब्रीदिंग कहलाएगा. बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और इसके दो टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स हैं इस मैकेनिकल प्रोसेस की. एक को हम कहते हैं इंस्पिरेशन और दूसरे को हम कहते हैं एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन. इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फ्रेश एयर जो है हमारे बॉडी के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है. एक्सपायरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस एयर में ज़्यादा है, या वो एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, वो एयर हमारे लंग से बाहर जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन. अगर हम जनरल फ्रिक्वेंसी की बात करें ब्रीदिंग की या सांस लेने के अमल की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी तकरीबन हम कहते हैं 15 to 20 टाइम्स होती है. लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो ये डबल भी हो जाती है, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा. जब आप भी जानते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं या कोई मुश्किल काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारा सांस हम तेज़ी से जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए ये जो रेट है इसका वो ज़्यादा हो जाता है. वैसे जनरली हम अगर रेस्ट पे हों तो हमारा 15 to 20 टाइम्स पर मिनट इसका रेट होता है. अच्छा, ब्रीदिंग को जब हम पढ़े हैं तो तीन पॉइंट्स जो हैं वो हमें याद रखने होंगे, तीन पॉइंट्स हमें नोट करने होंगे. फर्स्ट पॉइंट तो ये कि लंग्स की जब हमने बात की थी, लंग्स के हमने स्ट्रक्चर की भी थोड़ी सी बात की थी कि उसकी बनावट किस किस्म की है, तो हमने कहा था कि लंग्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं. और स्पॉन्जी क्यों होते हैं ये भी हमने आपको बताया था कि स्पॉन्जी इसलिए हैं बिकॉज दे हैव एल्वियोलाई, इनके अंदर एल्वियोलाई होते हैं, इसलिए लंग्स की जो बनावट है, लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी होते हैं. सेकेंडली, लंग्स खुद अपने अंदर एयर को नहीं लेके आ सकते और ना ही खुद ब खुद अपने अंदर से एयर को बाहर पुश कर सकते हैं. दे कैन नॉट पुल और पुश एयर. अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है कि लंग्स जो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर. लंग्स के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से उनके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है. और ये क्यों होती है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन? इसलिए हो पाती है बिकॉज लंग्स जो हैं वो इलास्टिक होते हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है. तो ये हमने देख लिया लंग्स के बारे में. सेकेंड पॉइंट जो हमें नोट करना है, याद रखना है, वो ये है कि हमने एक और ऑर्गन की बात की थी. हमने कहा था डायाफ्राम वो ऑर्गन है जिसे हम फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी भी कहते हैं. फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी. अच्छा, डायफ्राम की जब हमने बात की थी तो हमने आपको बताया था कि डायफ्राम जो है वो स्केलेटल मसल से मिलके बना होता है और इसकी जो शेप होती है बेसिकली डोम शेप ही होता है, डोम लाइक शेप या गुंबद की तरह की इसकी शेप होती है. अगर हम इसे ड्रॉ करें कुछ इस किस्म की इसकी शेप बन जाती है और इसके अंदर फिर हमारे पास लंग्स होते हैं. लेट सपोज, अब मुझे इतने अच्छे बनाने तो नहीं आते, बट अगर हम बनाएं
तो इस तरह से करके हमारे पास लंग्स बन जाएंगे इसके दरमियान में, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल हमारे पास ये एक शेप बन गई, ये डोम लाइक शेप बन गई, जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। अच्छा, डायाफ्राम के बारे में आपको ये चीज़ देखनी है कि डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। दो तरह की मूवमेंट इसके अंदर होती हैं, एक हमने कहा कि वो रिलैक्स करता है, दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसके रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। जब इसकी शेप, या हम कहते हैं कि जब ये रिलैक्स करता है तो इसकी शेप जो है वो मोर डोम लाइक हो जाती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम तो इसकी शेप जो है वो लेस डोम लाइक हो जाती है। लेस डोम लाइक किस तरह से होती है? वो इस तरह से होती है कि जहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, तो कुछ इस किस्म की शेप बन जाती है यूँ, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है तो इसकी शेप कुछ इस किस्म की बन जाती है, और इसके अंदर अगर हम लंग्स को बनाएं तो वो कैसे बनेंगे? यूँ, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट आप इससे आइडिया ले लें कि इसकी शेप कुछ इस किस्म की अंदर से लंग्स की बन जाती है। और ये किस फॉर्म में है? ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है डायफ्राम। तीसरी जो चीज़ हमें देखनी है वो है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक को हम कहते हैं रिब्स और दूसरे जो हैं वो होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, रिब्स को तो हम जानते हैं, ये हम पसलियों को रिब्स कहते हैं, और इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? ये वो मसल्स हैं जो रिब्स के साथ पाए जाते हैं, और इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे अंदर जो प्रोसेस है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का वो कामयाब हो पाता है, या वो कैरी ऑन हो सकता है। और वो मूवमेंट किस तरह से है? ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी इनके अंदर भी दो तरह के मूवमेंट, जैसे कि हमने डायफ्राम में भी देख लिया ना, इसी तरह इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं वो एलिवेट हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, या हम कहते हैं दो तरह की मूवमेंट होती है, एक तो ऊपर की तरफ और एक बाहर की तरफ, अप एंड आउट। इसी तरह जब ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं तो इनके अंदर जो मूवमेंट होती है हमारे रिब्स की, वो इस तरह से होती है कि रिब्स जो हैं दे सेटल डाउन। रिलैक्स करने पे रिब्स भी रिलैक्स कर लेती हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट होती है इसकी। अच्छा, अगर हम एक फिगर देख लें तो इसको समझना और देखना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये एक फिगर है, इसके अंदर यहाँ पे आपको इन्हेलेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है और यहाँ पे एक्सहेलेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है, ठीक है। इन्हेलेशन मीन इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन मीन एक्सपायरेशन। अच्छा, इन्हेलेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डायफ्राम है उसकी मूवमेंट किस तरह की है। इसके अलावा आप रिब्स की और इंटरकोस्टल मसल्स की मूवमेंट को भी देख सकते हैं। वन बाय वन हम इसको देखते जाते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ भी सकें। पहले हम देख लेते हैं इंस्पिरेशन। अच्छा, इंस्पिरेशन जो है वो अमल है जिसके अंदर सांस हम अपने बॉडी के या रिब्स के अंदर लेके जाते हैं। तो जब सांस हम अंदर लेके जाते हैं, अंदर सांस के जाने के लिए कुछ स्पेस की या कुछ जगह की ज़रूरत होगी। अगर हमारे बॉडी के अंदर जगह होगी तभी तो बाहर से एयर अंदर जा सकेगी। वो जगह बनाने के लिए बेसिकली हमारे रिब्स के मसल्स यानी इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मूव करते हैं, ठीक है। तो जो स्पेस हमारी एक रिक्वायरमेंट है स्पेस की, जगह की, वो स्पेस किस तरह से बनती है? हमारी जो स्पेस है लंग्स के अंदर वो इंक्रीज होती है। स्पेस इज इंक्रीज्ड बाय दो चीज़ें, एक हमने कहा रिब्स मसल्स और दूसरे हमारे पास है डायफ्राम। अब रिब्स मसल्स की मूवमेंट किस तरह से है? रिब्स मसल्स या इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन पे हमने बात की थी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये
एलिवेट हो जाते हैं। एलिवेट क्या, रिब्स जो हैं वो एलिवेट हो जाती हैं ऊपर की तरफ, और डायफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि इसकी जो शेप होती है वो लेस डोम लाइक हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप इस फिगर के अंदर देखें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करी, ठीक है, आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करी हैं। इसी तरह जो डायफ्राम है इसकी शेप जो है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है और इसकी शेप लेस डोम लाइक है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लंग्स या रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करें, तो क्या हो रहा है, अंदर एक स्पेस बन रही है, जगह बन रही है, एक्स्ट्रा स्पेस। इस स्पेस की वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स में जगह क्योंकि बन गई है तो बाहर से एयर आ सकती है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक तो चेस्ट कैविटी जो है वो ऊपर की तरफ मूव की है, उसकी वजह से जगह इंक्रीज हो गई। दूसरा, अब जब इतनी जगह बन गई यानी कि वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा हो गया ना, और एयर तो जो इतनी जितनी इस एरिया में थी ऑलरेडी वो तो उतनी ही है, तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर का। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है या लेस प्रेशर होता है। अब जब प्रेशर लेस होता है तो क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं। बेसिकली तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं और फिर उसके रिजल्ट में प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, लंग्स एक्सपैंड हो गए तो क्या होगा कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम इज क्रिएटेड, और वैक्यूम कहाँ पे, इनसाइड आर लंग्स, हमारे फेफड़ों के अंदर एक वैक्यूम, क्योंकि खाली जगह है ना, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बाहर से जो एयर होगी वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी अल्टीमेटली, जो लास्ट इसका एक स्टेप होगा, एयर विल रश इन, बाहर से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी, और यही वो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपायरेशन के ऊपर। एक्सपायरेशन वो अमल जिसमें सांस हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं या एयर हमारे लंग्स की बाहर जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी इसी तरह दो चीज़ें मूव करती हैं। एक हमने बात की रिब्स के मसल्स की मूवमेंट की, ठीक है, तो रिब मसल्स जो हैं, या फिर हम इनको इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं, रिब मसल्स जो हैं वो इस केस में रिलैक्स करते हैं। ठीक है, और इनकी रिलैक्सेशन से क्या होता है, हमने देखा था कि जब रिब मसल्स रिलैक्स करते हैं तो रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड रिब्स मूव करती हैं, एक तो डाउनवर्ड मूव करती हैं प्लस वो इनवर्ड मूव करती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं। ठीक है, अब इस तरह से होने से होगा क्या कि रिब्स एक तो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगी, तो इन द रिज़ल्ट हमारे लंग्स के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, लेस स्पेस हो जाएगी। ठीक है, दूसरी हमने जो मूवमेंट देखी थी वो डायफ्राम की देखी थी। हमने कहा था कि डायफ्राम जो है वो एक्सपायरेशन के केस में रिलैक्स करता है। ठीक है, तो डायफ्राम मसल्स जो हैं दे विल रिलैक्स, वो रिलैक्स करेंगे, और जब वो रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है कि उनकी शेप मोर डोम लाइक हो जाती है। जब वो मोर डोम लाइक हो जाएगी, यानी कि मोर डोम लाइक की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि शेप कुछ ज़्यादा इस किस्म की हो जाएगी। इस तरह की ज़्यादा शेप होगी तो क्या होगा, अंदर लंग्स के लिए स्पेस जो है वो ओवरऑल कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ही रिब्स मसल्स की वजह से स्पेस कम हुई, अब डोम शेप डायफ्राम की वजह से भी जगह और कम हो जाएगी लंग्स के अंदर, तो क्या होगा कि लंग्स के अंदर की जो चेस्ट कैविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, चेस्ट कैविटी विल रिड्यूस, चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाएगी, तो क्या होगा, तो ये होगा कि लंग्स के अंदर प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा ना ओवरऑल, तो हम ये कहते हैं कि प्रेशर एग्जर्ट होगा लंग्स के ऊपर, और लंग्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होने से अल्टीमेटली ये होगा कि एयर जो होगी लंग्स के अंदर वो बाहर की तरफ मूव कर लेगी, और ये वो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। इसको अगर हम फिगर के अंदर देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ हो क्या रहा है कि जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वजह से इसकी शेप ज़्यादा मोर डोम लाइक हो गई है। इसी तरह ये जो रिब्स हैं, रिब्स की मूवमेंट अगर आप देखें वो इस तरह से मूव कर रही है कि अंदर की जो जगह है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह की जो मूवमेंट आपको नज़र आ रही है रिब्स की, वो क्या है, वो मूवमेंट बेसिकली इनवर्ड मूवमेंट है, जिसकी वजह से इसके अंदर ओवरऑल जो लंग्स की जगह है वो कम हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो एयर है इन लंग्स के अंदर वो बाहर की तरफ मूव करती है, एक्सहेल हो जाती है। अच्छा, एक एनिमेशन है मेरे पास जिसके अंदर आप इस प्रोसेस को मूव करते हुए यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एनिमेशन के थ्रू देख सकेंगे, उसको ज़्यादा ईजी होगा अंडरस्टैंड करना भी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि इंस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि रिब्स मसल और डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है कि रिब्स मसल भी और डायफ्राम भी दोनों एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये रिब्स हैं और एनिमेट किया हुआ है हमारे रेस्पायरेशन के प्रोसेस को। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक्सपायरेशन और ये हमारे पास इंस्पिरेशन, ये एक्सपिरेशन, ये इंस्पिरेशन। एक मरतबा दोबारा अगर हम इसको देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्पिरेशन, ये एक्सपिरेशन, ये इंस्पिरेशन, ये एक्सपिरेशन। इसमें आप ये मूवमेंट देखें, ज़रा डायफ्राम की मूवमेंट को देखें और रिब्स की मूवमेंट को देखें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट गैसेस को देखेंगे और फिर उनके ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लें, आज हमने क्या देखा, आज हमने ब्रीदिंग के प्रोसेस को देखा, इसके अंदर दो चीज़ें थी, एक इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन उसको देखा, तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लंग्स के बारे में हमने बात की, डायफ्राम के बारे में, और फिर हमने चेस्ट कैविटी के बारे में बात की, और एक फिगर के थ्रू हमने देखा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन या इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को।